प्रोफेसर साहब, माननीय काशीराम साहब एक बात कहा करते थे, 1585 का फार्मूला बताया करते थे, क्या था है वो 1585 का फार्मूला? और 85% तो वैसे बहुजन समाज को कहा जाता है, लेकिन ये 85% को कैसे मजबूत कराया जा सकता है माननीय श्री काशीराम जी के नेतृत्व के हिसाब से? नहीं देखिए, माननीय काशीराम ने बार बार ये कहा, मैंने फील्ड वर्क किया, अगर आप उनके भाषणों को सुने तो 1970s में वो फील्ड वर्क कर रहे थे और उन्होंने देखा कि समाज के अंदर कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आंदोलन चलाया, संघर्ष किया, चाहे वो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हों, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हों, चाहे वो दलित लोग हों, और फिर बाबा साहब का अध्ययन किया। बाबा साहब ने नारायणा, बाबा साहब ने ज्योतिबा फूले को अपना गुरु माना, बाबा साहब अंबेडकर ने कबीर को अपना गुरु माना, बाबा साहब अंबेडकर ने बुद्ध को अपना गुरु माना, तो क्यों माना उन्होंने? बाबा साहब ने रिसर्च किया होगा, कोलंबिया में भी रिसर्च किया होगा, बाबा साहब ने रिसर्च करके देखा कि इन लोगों ने बहुजन समाज के लोगों की, चाहे वो पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे वो दलित समाज के लोग हों, चाहे वो महिला हों, उनके अधिकारों को सुसज्जित करने का, स्थापित करने का काम किया और उस स्थापना के अंदर उन्होंने आंदोलन चलाया, तो इसलिए मान्यवर ने उनको अपना गुरु बनाया। उधर नारायणा गुरु ने जो इड़वा आंदोलन चलाया था उसको भी देखा कि किस प्रकार आंदोलन चला रहे थे, पेरियार सेल्फ रिस्पेक्ट का मूवमेंट, और सब की सब कांग्रेस के धुर विरोधी थे, ये भी बाबा साहब ने बाकायदा स्थापित किया था उस समय, और मान्यवर ने उनसे वो लिया। तो जिन समाज के लोगों ने ज्योतिबा फूले, नारायणा गुरु, पेरियार और साहूजी महाराज, माता सावित्रीबाई फूले, इन सबों ने मिल करके उन 85% के लोगों का बाकायदा अधिकार सुनिश्चित करने का संघर्ष चलाया। साथ में जो जैसे फातिमा शेख हैं, वो नहीं होती या उनके भाई ना होते तो ज्योतिबा फूले अपना आंदोलन नहीं चला सकते थे। माननीय बाबा साहब अंबेडकर जब खुलना से इलेक्ट होने गए तो मुस्लिम लीग उनको सपोर्ट कर रही थी, और जब बाबा साहब बाकायदा असेंबली में पहुंचे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुंचे, तो उन्होंने सभी अकलियतों के अधिकारों की सुरक्षित करने के लिए आर्टिकल 25 से 29 तक लिखा कि नहीं, माइनॉरिटीज के राइट भी सुरक्षित होने चाहिए। तो ये एक समन्वय है, जो एक समन्वय है वो सियासी नहीं है, वो सामाजिक है। अगर हम इनको समझ करके कि हाँ, सामाजिक आंदोलन में सबके भागीदारी से ही उन्नति और तरक्की हो सकती है, अगर ये समझ करके चलेंगे। हम बहुत लीडरों को देखते हैं, वो जय भीम तो करते हैं लेकिन असलाम वाले खूब नहीं करते। अरे भाई, जय भीम करो तो असलाम वाले खूब भी कर दो, तभी तो जो है एकता बनेगी। वो केवल अगर अकलियत समाज का आदमी अगर वो जय भीम कर रहा है तो आपको भी असलाम वाले खूब करना चाहिए, तब कहीं जाके संबंध। और सभी समाजों के लोगों को प्रतिनिधित्व दे करके एक नया युग में बनाना चाहिए, तो अपने आप एकता और संगठन अपने आप मजबूत होने लगेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।